एक एक बूथ पर जाकर एक एक जगह जाकर बहन रोहिणी आचार्य जी के लिए यहाँ पे लालटेन छापे वोट दिलाकर मजबूती से इसको जिताएंगे ताकि इंडिया गठबंधन का सरकार हमारा दिल्ली में बन सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। मेरे पास पैसा आ गया तो क्या वो खरीद लेगा? क्या ये लोकतंत्र है? डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी का आज नामांकन हुआ है साथियों, और इस कार्यक्रम में हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये आजादी की लड़ाई के जैसे लड़ाई है साथियों। आपके पूर्वज हमारे पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए पौने 200 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आपके हमारे पूर्वज शहीद हुए, तब जाके ये देश आजाद हुआ साथियों। ये देश आपका है, हमारा है साथियों। आज हमारा देश का संविधान जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है साथियों। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो देश के संविधान को नहीं मानते हैं। आज देखिए, दो दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, बनी हुई सरकार को गिरा देता है, बने हुए विधायक को खरीद लेता है, सांसद को खरीद लेता है। आप बताइए, इसको कहते हैं लोकतंत्र? जनता मालिक है साथियों। आपने जिस विधायक को जिताया, आपने जिस सांसद को जिताया, आप बताइए, किसी के पास पैसा आ गया तो क्या वो खरीद लेगा? क्या ये लोकतंत्र है? क्या इसमें आपका अपमान नहीं है? क्योंकि जनता मालिक है साथियों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो संविधान बनाया है, आज उसी के दम पर मैं आज एक मल्ला का बेटा सीना चौड़ा करके आपके सामने में अपनी बात को रखने का अगर हैसियत रखता है तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है साथियों। इसलिए साथियों, आपका आने वाला पीढ़ी अगर सर ऊंचा करके अगर बात करने का लायक रहे तो इसके लिए आप हमको संविधान को बचाना है साथियों, संविधान को बचाना है साथियों। आज देखिए, ऐसे लोग हैं कि किस तरीके से देश को कब्जा करते जा रहा है, किस तरीके से धंधा लो और चंदा मुझे दो, अगर चंदा नहीं दोगे तो जेल डाल दूंगा। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, ऐसा गरीब परिवार में जन्म लिया जहां अगर एक रोज पिताजी मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता। इतने गरीब घर में मैंने जन्म लिया, लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में गांव को छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर बॉम्बे जैसे शहर में मैंने कामयाबी का झंडा गाड़ा। उसके बाद मैंने देखा, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर 10 साल से बिहार में मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। आप सभी ने देखा, 2020 में हमारी पार्टी ने हमने 4 विधायक बनाया और बिहार में अपने दम पर मैं मंत्री बना और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में सरकार नीतीश कुमार का नहीं बनता और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। लेकिन क्या हुआ, आपने देखा कि गरीब मछुआरा का बेटा, मल्ला का बेटा को कैसे उनका विधायक को खरीद लिया, कैसे हमें सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो इसलिए साथियों, ये नहीं चाहता कि कोई गरीब का बेटा सर ऊंचा करके अपनी बात को रखे, ये चाहता है कि हर गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा इनका गुलाम बना हुआ रहे। इसलिए साथियों, हमें आजादी की लड़ाई लड़ना है। आने वाले समय में फिर से हम आप लोगों के बीच में आएंगे। अभी कई जगह कार्यक्रम में जाना है और हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी भी आप लोगों के बीच में बात को रखेंगे, हम सभी को उनको सुनना है। तो इसलिए साथियों, बीच में हम लोग आते रहेंगे और हर गांव गांव में जाकर, एक एक बूथ पर जाकर, एक एक जगह जाकर बहन रोहिणी आचार्य जी के लिए यहाँ पे लालटेन छापे वोट दिलाकर मजबूती से इसको जिताएंगे ताकि इंडिया गठबंधन का सरकार हमारा दिल्ली में बन सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।